जयसिंहपुर सुल्तानपुर दो पक्षों की मारपीट पर स्थानीय कोतवाली में दर्ज हुए मुकदमे के अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दरोगा ने पीड़ित पक्ष से ही रिश्वत मांग ली। पीड़ित ने अपनी पीड़ा जिले के कप्तान विपिन कुमार मिश्र के जरिए प्रार्थना पत्र में सुनाई है। मामला कोतवाली जयसिंहपुर के ग्राम अमलिया शिकरा का है। ज्ञात रहे कि गांव में विगत 29 मार्च को दीपक वर्मा पुत्र विश्राम वर्मा और उन्हीं के सगे भाई मनोज वर्मा शुद्ध विश्राम वर्मा से मकान के बंटवारे के संबंध में वाद विवाद हुआ था, जिसमें स्थानीय पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक पद के खिलाफ धारा 452, 323, 504, 506 दर्ज करने के बाद विवेचना दरोगा मुल्हेराम को सौंपी थी। इधर बार बार पीड़ित दीपक वर्मा कार्यवाही के लिए कोतवाली का चक्कर लगा रहा था। दीपक वर्मा के घर आकर विवेचक दरोगा ने 10,000 लेने की बात कही और कहा कि रकम दो, नहीं तो तुम्हारे विपक्षी को गिरफ्तार कर लूंगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब पैसा नहीं मिला तो दरोगा ने स्वयं दीपक वर्मा के मोबाइल फोन पर घूस की रकम ली। यही नहीं, कहा कि मैं बाहर हूँ, आप 10,000 रुपये मेरे सिपाही तेज बहादुर को दे दो, हमें मिल जाएगा। पीड़ित ने बताया कि घूस की रकम न देने पर दरोगा द्वारा बार बार धमकी दी जा रही है। पीड़ित के भाई अतुल वर्मा ने सारे तथ्यों के साथ एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। उनको जो व्यवस्था हो दे देना, कल सिपाही वो आएंगे लखनऊ तो जो है पहुंच जा हमारे पास आ जाएगा, हम दाखिल कर देंगे जवाब। तो साहब हम का फर्क रहे? अरे यार हम यहाँ जवाब दाखिल कर देंगे तो अपना व्यवस्था कर देना तेज को। ठीक साहब ठीक, मतलब वो सब गिरफ्तार हुई है ना? हाँ सब होंगे, उनको गिरफ्तार तो होंगे। तो साहब वो आज हम यहाँ अपन करवावत है, मतलब जइया मतलब हाई कोर्ट से बेना पहिए जब मतलब वो ना बेल ना। हाँ हाई कोर्ट से बेल नहीं देंगे, इनका मिलेगी। हाँ तो साहब वहूँ वकील व खड़ा करे हम अपन हाई कोर्ट वो में तो इनका रिटर्न। अच्छा ठीक है, तुम सुनो तेज से मिल लो, तेज तेज से। हाँ ठीक, अब हम ये टाइम चला आई घरे फिर तो वही का सवेरे तेज से सुनो तेज 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 बहादुर से मिल लेना। ठीक ठीक सर। गांव कौन सा है? ग्राम अमलिया शिकरा। थाना कौन सा है? जयसिंहपुर। क्या मामला है आपका? मामला घर में कुछ मामला था, उसी चलते जो है मोलेराम दरोगा विवेचना कर रहे थे जी, तो वो गए जो है वो कहे 10,000 रुपए दे तो तब एक लोग का नाम और धारा निकाल देंगे, रुपए न देने पर। फिर शाम को गए जो है कहे कि तुम लोगों को अगर पैसा नहीं दोगे तो गलत मुकदमे में फंसा देंगे और तुम दोनों भाइयों को जेल भेज देंगे। हाँ यही कह के चले। जो उसका ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है इसमें क्या कहना है आपको? ऑडियो वो फोन पर बात हुई थी, वही फोन पर बात हुई थी आपकी ना? हाँ उसी में रिश्वत मांग रहे हैं आपसे। हाँ 10,000 की। हाँ